सीएम के 29 सितंबर को प्रस्तावित दौरे से पहले मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन और खारक बांध प्रभावितों के बीच सहमति बन गई है। लिखित आश्वासन मिलने पर पिछले 17 दिनों से कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर चल रहा खारक बांध प्रभावितों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि धरना स्थल सीएम के सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर चल रहा था, जिसके प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों के लिए चुनावी समय में प्रदर्शनकारी चिंता का सबब बने हुए थे। एसडीएम भास्कर गाछले और जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार ब्राह्मण ने सुबह करीब 10 बजे धरना स्थल पहुंचे, जहां पर डूब प्रभावित 129 परिवारों को करीब 4,60,00,000 मुआवजा पुनर्वास राशि का कलेक्टर द्वारा लिखित पत्र सौंपते हुए भरोसा दिया कि गणना पत्र शासन को भेज दिया है, राशि जल्द मिलेगी। हालांकि प्रभावितों ने प्रशासन को विचार कर धरना समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो वापस धरने पर बैठ जाएंगे, आगे उग्र प्रदर्शन होगा, जेल भर देंगे। एसडीएम ने मीडिया को बताया कि 129 डूब प्रभावित आदिवासियों को 4,60,00,000 रुपए की पुनर्वास राशि के भुगतान के लिए कलेक्टर का लिखित पत्र सौंपा है। 10 से 15 दिन में भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। दिया जा रहा है। पहुंचे थे, कलेक्टर साहब का लिखित लेटर दिया है जिसे आपकी मांग थी। अब क्या धरना स्थल लगातार 17वां दिन है, आज क्या कहना चाहेंगे? हमको कलेक्टर साहब ने एक पत्र के माध्यम से 10 दिन का समय बताया कि 10 दिन में ये जितने भी जो 129 का निराकरण होना है वो 10 दिन में इसका निराकरण पूर्ण किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन अगर 10 दिन में ये हमारा निराकरण नहीं करते तो 11वां दिन हमारा वापस आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। तो आज आप लोग चले जाएंगे क्या? आज हम अभी जाना तो है हमको, लेकिन हमारे साथी जो हमारे समर्थन में जितने भी संगठन के लोग आए थे वो सभी संगठन लोग हमारे साथ में आएंगे और उनका भी हम स्वागत करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से समापन का। आज धरना समाप्त हो जाएगा। आज धरना हमारी 4-5 बजे तक धरना समाप्त होगी, इसके पहले समाप्त नहीं होगी। आपकी मांग मान ली गई है? हाँ, हमारी मांग मान ली गई है, लेकिन अगर 10 दिन में नहीं होता तो हम 11वां दिन वापस आंदोलन फिर से जेल भरो आंदोलन करेंगे, ये हमारी मांग है। मैं जागृत आदिवासी दलित संगठन बलिराम सोलंकी। कोई लिखित लेटर भी दिया है क्या? कलेक्टर साहब द्वारा लगातार इस संबंध में इनकी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर शासन से लगातार संपर्क किया जा रहा था, पत्राचार किया जा रहा था। इसको लेके कल प्रमुख सचिव महोदय से कलेक्टर साहब की चर्चा हुई, उनके द्वारा जो जो भी कार्रवाइयाँ इस प्रकरण में हो चुकी हैं आज तक की तारीख में, उसके संबंध में कल खारक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर साहब एसपी साहब ने रात को चर्चा भी की, उनको पूरी चीज़ों से अवगत कराया। उनके द्वारा लिखित में मांग लिखे दिए जाने की मांग किए जाने पर कलेक्टर साहब द्वारा विधिवत उसको लिखित में भी इनको दिया गया है। इनका जो जीआरए द्वारा मुआवजा स्वीकृत किया गया था उसका मय गणना के गणना पत्रक तैयार करके वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही जो भी इनको अभी 10 दिवस का कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 10 दिवस में शासन द्वारा इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। शासन की प्रमुख सचिव महोदय से कलेक्टर महोदय की इस संबंध में चर्चा हो चुकी है, इसी संबंध में आज उनको लिखित में भी पत्र भी दे दिया। कितना मुआवजा दिया जाएगा? अभी शासन को जो गणना पत्रक भेजा गया है विभाग द्वारा, उसमें लगभग 4,60,00,000 रुपए का गणना पत्रक तैयार करके भेजा गया है 129 परिवारों के लिए। 4,60,00,000 का गणना पत्रक तैयार करके भेजा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।